हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेशम की विशेषताओं के बारे में। रेशम की विशेषताओं को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, भौतिक विशेषताएं और दूसरा है रासायनिक विशेषताएं। पहले हम भौतिक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। रेशम क्योंकि एक प्राणिज रेशा है, इसलिए यह प्रोटीन से बना हुआ रेशा है, इसे प्रोटीन रेशा कहा जाता है। और इसके संगठन में सबसे अधिक प्रोटीन ही पाया जाता है, इसलिए इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन का तत्व भी पाया जाता है। रेशम के कीड़े से जब ये रेशा निकलता है तो एक सेरेसिन नाम का गोंद भी साथ में रेशे के साथ चिपका हुआ रहता है। और दूसरा होता है फाइब्रिन। फाइब्रिन प्रोटीन है और सेरेसिन जो रेशे के चारों तरफ चिपका हुआ गोंद है। दूसरा हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शीय रचना की, तो रेशम जो है वो अत्यंत चिकना और कोमल रेशा है और यह सूक्ष्मदर्शी से देखने पर एक पारदर्शी सीधी रेखा के रूप में दिखाई देता है। और जब हम इसको अनुदैर्ध्य इसकी रचना देखते हैं, यानी कि इसकी क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो हम देखते हैं कि यह ऐसे लगता है कि दो रेशों के आपस में चिपके हुए होने से बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके व्यास की। व्यास मतलब इसकी मोटाई। तो रेशम का रेशा जो है वो अत्यंत बारीक रेशा होता है और इसकी मोटाई जो है वो 0.00059 से लेकर 0.00118 इंच तक होती है। और इसकी लंबाई जो है, रेशम जो है वो सभी प्रकार के प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक लंबा रेशा है और यह है 300 से लेकर 1800 मीटर तक लंबा या इससे भी ज़्यादा लंबा हो सकता है। रेशम जो है वो प्राकृतिक रूप से हल्के सफ़ेद रंग से लेकर क्रीम रंग का होता है और कभी कभी यह गहरा रंग भी हो सकता है। रंग का ये वेरिएशन जो है वो कीड़े को खिलाए गया जो भी उसका भोजन है उस पर निर्भर करता है। जो वाइल्ड सिल्क है वो गहरे रंग की होती हैं, भूरा पीला भी हो सकता है। और वहीं जो कल्टीवेटेड सिल्क होती है, यानी कि जो इनको पाल करके, कीड़ों को पाल कर जो सिल्क प्राप्त की जाती है, वह हल्के रंग की होती है। रेशे में प्राकृतिक रूप से अत्यंत चमक होती है, कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं। और इनको अगर हम अधिक ऐंठन दें रेशे से धागा बनाते हुए तो इसकी चमक जो है वो कम हो जाती है। अब बात करते हैं हम इसकी मजबूती की। तो सभी प्रकार के प्राकृतिक रेशों में से रेशम जो है वो सबसे अधिक मजबूत होता है, लेकिन जब हम इसको गीला कर देते हैं तो गीला होने पर इसकी मजबूती कम हो जाती है। इसलिए इसको ज़्यादातर इसको जो है वो हम ड्राई वॉश यानी कि ड्राई क्लीन करते हैं बजाय कि पानी से धोने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लचक और प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता की। तो रेशे में प्राकृतिक रूप से यह पाया जाता है, लेकिन ऊन के रेशे में जितना होता है उससे कम इसमें प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता होती है। प्रत्यास्था मतलब होता है कि जब हम किसी भी रेशे को खींचते हैं तो वह वापस अपने प्राकृतिक जो आकृति है, पूर्वाकृति, उसको प्राप्त कर ले। और यही चीज़ प्रत्यास्था में है कि जब हम उसको प्रतिस्कंदता में है कि जब हम उसको दबाते हैं तो वापस छोड़ने पर वो वापस अपनी शेप ले ले। तो रेशम में ये दोनों ही गुण पाए जाते हैं, लेकिन ऊन से कम होते हैं और कपास और लेनन से ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फफूंद व कीड़ों का। तो इन का कोई विशेष प्रभाव वैसे नहीं पड़ता है, अगर हम इनको गीली अवस्था में नहीं रखें तो ये ख़राब नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है इसकी सफाई व धुलाई। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके सरफेस पे जो लगने वाले जो दाग धब्बे हैं उनको छुड़ाने के लिए ड्राई क्लीन का इस्तेमाल किया जाता है। रगड़ का इन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और धूप और प्रकाश का भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। रेशे ताप के कुसंवाहक होते हैं, इसलिए
सर्दी के मौसम में पहनने में यह ज़्यादा आरामदायक होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि सिल्क अत्यंत महीन और बारीक रेशा होता है इसलिए इसका कपड़ा भी बहुत फाइन बनता है, तो इसको गर्मी के मौसम में भी आसानी से पहना जा सकता है।